हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 वैल्यू एजुकेशन, जिसका नाम है वैल्यू थॉट्स। मोरल वैल्यूज बोल सकते हैं, मोरल साइंस बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। इसका आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। लास्ट 3 लेक्चर्स इसके अपलोड हो चुके हैं इस बुक के, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ, एंड सेकेंड लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 कवर किया था, एंड लेक्चर 3 में हमने कंप्लीट किया उसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स, किसके चैप्टर नंबर 2 के। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या होता है? एक एज होती है जब ग्रोथ होती है, ठीक है, एक बच्चे की, जब वो बड़ा हो जाता है जब बच्चा, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं एडोलसेंस। 12 से लेकर 20 की एज तक जो टाइम पीरियड होता है उसे हम एडोलसेंस बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक ये चैप्टर है, अच्छे से पढ़िए। क्या बोल रहा है? अ बटरफ्लाई हैज़ टू ब्रेक आउट ऑफ इट्स कोकून। जब बटरफ्लाई का बर्थ होता है तो कैसे होता है? वो डायरेक्ट बटरफ्लाई थोड़ी आ जाती है, कोकून, उसके एक शेल होता है, उससे वो तोड़ना होता है बटरफ्लाई को, तब वो आती है बाहर। एंड अ बर्ड हैज़ टू टीयर एंड क्लॉ इट्स वे आउट ऑफ द शेल। और एक बर्ड को भी क्या करना पड़ता है? अपने शेल से बाहर आना पड़ता है, उसे टीयर आउट करना पड़ता है शेल को, बर्ड के, बर्ड को भी, ठीक है। दे डोंट गेट टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ देयर लाइव्स पैसिवली एंड अनफॉर्चुनेटली नाइदर डू एडोलसेंट्स। ये जो जैसे बटरफ्लाई और बर्ड है, ये क्या है, ये नेक्स्ट स्टेज पर नहीं जा सकते अपनी लाइव्स पे, अपने जीवन में वो नेक्स्ट स्टेज पर नहीं जा सकते, और अनफॉर्चुनेटली ना ही वो एडोलसेंट्स की एज से जा सकते हैं। ये बात किसने कही? जेम्स लेमन ने कही। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। Adolescence is the best stage in life. Adolescence जो है life की best stage है, because they are finally growing up and reaching a certain age where they can take care of themselves. क्यों ये best stage क्यों है adolescence life की? क्योंकि यहाँ पर हम finally grow up हो जाते हैं, इसके बाद हमारी growth जो होती है वो stop हो जाती है, and reaching a certain age, और एक age, एक certain age पर, एक fixed age पर पहुँचने के बाद, where they can take care of themselves, एक ऐसी age आ जाती है adolescence के बाद कि हम अपनी केयर खुद कर सकते हैं, ठीक है। इतने बड़े तो हम हो जाते हैं कि हम अपनी केयर कर सकें एडोलसेंस की एज के बाद, तो इसीलिए ये बेस्ट स्टेज होती है लाइफ की। इट इज़ ऑल्सो अ स्टेज व्हेन दे हैव टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये एक ऐसी स्टेज भी होती है जहाँ पर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद टेकअप करनी पड़ती हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठानी पड़ती हैं। इन दिस स्टेज, इस स्टेज में द चिल्ड्रन मे फील डिस्टर्बेंसेज विद रेगुलर इमोशंस एंड बिहेवियर्स ड्यू टू इंटरनल चेंजेस। इस एज में क्या होता है, आपको इंटरनल चेंजेस बॉडी में अपने में फील होते हैं, जिस वजह से बच्चे का, जो बच्चे होते हैं उन्हें डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है, उनमें बॉडी में वो चेंजेस देखते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो थोड़े डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। लेकिन आपको मोटिवेटेड रहना चाहिए कि, मतलब आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, डिटरमाइंड रहना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, तो आप ग्रोथ भी तो होगी, रुकेगी तो नहीं ना, आप बच्चे थोड़ी रह जाओगे, तो बड़े हो गए तो आपके इंटर बॉडी में चेंजेस भी आएंगे, इंटरनल चेंजेस मीन्स फिजिकल चेंजेस भी आएंगे बॉडी में। तो यही एज होती है एडोलसेंस की, जब बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसी एज को हम एडोलसेंस बोलते हैं। तो अब हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे कि हमें ये क्या बताने चाह रहे हैं चैप्टर में। लेट अस रीड दिस चैप्टर टू नो हाउ एडोलसेंट्स फील एंड बिहेव इन द पीरियड ऑफ एडोलसेंस। हम एक ये चैप्टर पढ़ेंगे ये देखने के लिए कि एडोलसेंट्स बोलते हैं जो इस एज पीरियड से गुजर रहे होते हैं बच्चे, एडोलसेंट्स बोलते हैं, वो उन्हें कैसा फील होता है, कैसा बिहेव करते हैं जब उन्हें वो एडोलसेंस की एज से, उस पीरियड से गुजर रहे होते हैं। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, ग्रोइंग चेंजेस। इस चैप्टर का नाम है ग्रोइंग चेंजेस, ठीक है। आप बोलोगे मैम अभी तो चैप्टर का नाम आपने एडोलसेंस बताया था, बट देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, एडोलसेंस आपको ये वैल्यू है, ठीक है, इस चैप्टर का हम बुक में पूरी में वैल्यूज ही तो पढ़ते हैं, थोड़े से मॉरल्स ही तो पढ़ते हैं, तो ये एडोलसेंस यहाँ पर आपकी वैल्यू हो गई। और चैप्टर का नाम क्या है आपका, ग्रोइंग चेंजेस। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, अंकित डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू अमित बर्थडे पार्टी। अंकित जो है अपने दोस्त अमित की बर्थडे पार्टी में नहीं जाना चाहता। ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज़ फ्रॉम हिज क्लास वर गोइंग टू बी देयर। इसकी, अंकित की क्लास की सारे गर्ल्स बॉयज सभी उस पार्टी में जाने वाले थे। व्हाट्स मोर, हिज कंसाइटेड कजिन्स फ्रॉम महादेवी गर्ल्स स्कूल वर गोइंग टू बी देयर टू। व्हाट्स मोर, और क्या, हिज कंसाइटेड कजिन्स, कंसाइटेड मीन्स उसके सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि उसके जो सगे कजिन्स थे महादेवी गर्ल्स स्कूल से, वो भी वहाँ पर आने वाले थे उस बर्थडे पार्टी में। कंसीटेड मीन्स होता है सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि उसके सगे। दैट वॉज अ प्रॉब्लम इंडीड, ये भी एक प्रॉब्लम है। अंकित स्टूड बिफोर द मिरर एंड लुक्ड माइजरेबल एट हिज रिफ्लेक्शन।
अंकित मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और थोड़ा दुखी हो जाता है अपना रिफ्लेक्शन देखकर। मिरर में तो आप अपना रिफ्लेक्शन ही देखते हो, अपना अपने आप को देखकर वो थोड़ा माइजरेबल हो जाता है। वो क्या बोलता है, आई लुक हॉरिबल, मैं बहुत डरावना दिख रहा हूँ, भयंकर दिख रहा हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता। गॉड, भगवान, डू समथिंग, कुछ करो। ही क्रिटिकली एग्जामाइंड हिमसेल्फ रनिंग हिज फिंगर्स डाउन हिज स्पॉटी चीक्स फजी चिन एंड अपर लिप। वो और क्या करता है, ये सब इतना बोलने के बाद कि मैं इतना बुरा दिख रहा हूँ और मैं नहीं जाना, भगवान कुछ करो, तो वो क्रिटिकली अपने आप को पूरी तरीके से एग्जामाइन करता है, अपनी फिंगर्स को कैसे कैसे रन करता है। मीन्स पहले अपनी फिंगर्स स्पॉटी चीक्स पर, यानी कि स्पॉट्स हो रहे थे उसके चीक्स पर, गाल चीक्स होते हैं गाल, तो उस पर स्पॉट्स हो रहे थे, दाग से हो रहे थे, तो उस पर फिंगर्स रखता है। फिर फुजी चिन, जो उसकी चिन थोड़ी फूली फूली सी हो रही थी, उस पर भी देखता है, रखता है फिंगर। फिर अपर लिप्स पर भी रखता है। हिज नोज़ टू शोन लाइक अ लाइट हाउस, उसकी नोज़ भी ऐसी हो रही थी जैसे लाइट हाउस हो, लंबी हो रही थी यानी थोड़ी सी, ठीक है। ही मेड अ फेस एट हिज इल फिटेड शर्ट, वो एक वो अजीब सा फेस बनाता है जब उसकी शर्ट भी इल फिटेड होती है, यानी कि उसे सही फिटिंग नहीं आ रही होती है शर्ट की, तो भी वो एक अजीब सा फेस बनाता है जब कुछ भी, अगर अजीब सा फेस इन द सेंस हो गया कि अगर आपके पास आपके फादर हैं, वो आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, ठीक है, शर्ट लेकर आए हैं, टी शर्ट लेकर आए हैं, कुछ भी लाए हैं, ब्लेजर लाए हैं, उसकी फिटिंग नहीं आ रही है, तो आप अजीब सा फेस बनाओगे कि नहीं ये तो बड़ा है, ये छोटा है, स्लीव्स नहीं आ रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये सब उसी का जैसे फेस बनेगा उसी को, वो भी अपने आप को देखकर फेस बना रहा है कि उसकी शर्ट की फिटिंग तो सही नहीं है। लुकिंग डाउन एट हिज शूज़ ही फेल्ट मोर माइजरेबल देन एवर, अपने शूज़ को भी देखकर, वो नीचे देखता है अपने शूज़ को देखता है, वो और ज़्यादा दुखी सा हो जाता है। ही हैड बॉट देम फ्रॉम द बिगेस्ट शूज़ स्टोर, वो जो अपने शूज़ को देख रहा है तो उसे याद आता है कि वो अपने शूज़ जो है सबसे बड़े शू स्टोर से लाया था। द पेयर्स अंकित फैंसीड जस्ट डिड नॉट फिट हिम, वो पेयर्स जो अंकित ने फैंसीड करे हुए थे, यानी कि जो अंकित की डिज़ायर थी, जो अंकित चाहता था उन पेयर्स को लेना, जस्ट डिड नॉट फिट हिम, वो उसके फिटिंग नहीं आ रही थी उन शूज़ की भी, ठीक है। हाउ ऑफुली इरिटेटिंग ही सैड इन अ क्रैकिंग वॉइस विच वॉज नाइदर हिज ऑन नॉट लाइक हिज, क्या बोल रहे हैं, हाउ ऑफुली इरिटेटिंग, कितना इरिटेटिंग है ये सब। वो एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ में बोलता है, क्रैकिंग वॉइस में बोलता है, जो ना तो इसकी खुद की थी, ठीक है, नॉर लाइक हिज फादर्स, ना तो उसके फादर के जैसी थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो अजीब सी आवाज़ में बोलता है, कई बार जब कुछ चीज़ें आपकी इच्छा से नहीं होती हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो क्या हो रहा है कि अजीब सी आवाज़ में कुछ ना कुछ आप बोल देते हो जो ना तो आपकी होती है ना किसी और के जैसी होती है, ठीक है, अजीब सी आवाज़ निकल जाती है। ही फेल्ट इनसिक्योर अनश्योर एंड ऑकवर्ड, वो इनसिक्योर हो गया, अनश्योर हो गया और ऑकवर्ड सा फील कर रहा था, उसे थोड़ा इंसल्टिंग सा फील हो रहा था। देयर वर फार टू मैनी चेंजेस हैपनिंग, और भी बहुत सारे चेंजेस उसमें हो रहे थे, ठीक है। ये सब एडोलसेंस के पीरियड में क्या क्या होता है ऐसा बताया हुआ है, इसका बिहेवियर आप देख रहे हैं कितना चेंज हो गया है, कितना डिस्टर्ब्ड हो गया है, वो इनसिक्योर हो गया, अनश्योर हो गया। अ कार हॉन्क लाउडली जस्ट आउटसाइड हिज हाउस, उसके घर के बाहर एक कार, बहुत तेज हॉर्न बजता है एक कार से। ही डिड नॉट हैव टाइम टू मेक एनी चेंज इन टू समथिंग एल्स, उसके पास और टाइम नहीं था कि वो किसी और चीज़ में चेंजेस करे, यानी कि जैसा वो रेडी हुआ था उस वो और चेंजेस नहीं कर सकता था। ही रैन आउट ऑफ द डोर इन रेस्पॉन्स टू द हॉन्किंग कार, जो कार जिस कार से हॉर्न बज रहा था उसके रेस्पॉन्स में वो घर से बाहर जाता है, डोर से बाहर जाता है, भागता है उस तरफ, ठीक है। अंकित, बी गुड, डोंट गेट इन टू ट्रबल, सेड हिज मदर, उसकी मदर कहती है अंकित से कि अंकित अच्छे लग रहे हो, परेशान मत हो, अ लिटिल लाउडर देन वॉज नेसेसरी, जितना नॉर्मल आवाज़ में बोलते हैं, अगर कोई हड़बड़ी में जा रहा होता है तो एकदम से तेज़ आवाज़ निकल जाती है ना, थोड़ी सी नॉर्मल जिसे बोलते हैं उससे थोड़ी सी तेज़ आवाज़ निकल जाती है, तो ऐसे ही उसकी मदर थोड़ा सा चिल्लाकर बोलती हैं, मतलब डांट नहीं रही थी, बस आराम से बोलनी थी कि अंकित आराम से जाओ, कोई परेशान मत करो, द मतलब परेशान मत हो। द कार डोर बैंक्ड शट एंड द पैसेंजर्स लाफ, कार का जो डोर था वो बंद हो जाता है और पैसेंजर्स जो उसमें बैठे होते हैं कार में वो लोग हंसने लग जाते हैं। Hi, Daddy Long Legs, where are you going to put away those bamboo poles of yours? Asked Mona, laughing at him. Mona थी उस कार में एक लड़की, वो उस पर हंसते हुए, अंकित पर हंसते हुए बोलती है, Hi, Daddy Long Legs, Daddy के जैसे long legs वाले कैसे हो? Where are you going to put away those bamboo poles of yours? तुम अपने वो bamboo poles कहाँ रखने वाले हो?
ठीक है, हंस के वो बोलती है, उसका मजाक बनाती है, क्योंकि वो उसके लॉन्ग लॉन्ग लेग्स हो गए थे, लंबे लंबे पैरों हो गए थे, तो उसे बैम्बू पोल्स भी बोलने लगी वो, ठीक है, उस पर उसका मजाक बना रही थी, ठीक है। अंकित स्वेलोड हार्ट, अंकित जो है मतलब स्वेलोड हार्ट मीन्स स्वेलो में सोता है वैसे सटक जाना, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। एंड एज ही डिड हिज एडम्स एप्पल मूव, और उसने क्या किया, अपना एडम्स एप्पल मूव किया, जो नेक पे होता है ना, गर्दन पे होता है ना एडम्स एप्पल, पढ़ा होगा आपने साइंस में, तो वो उसे मूव करता है। द टर्टल नेक शर्ट ही हैड वॉर्न टू ट्राई हाइडिंग द लंप जस्ट डिड नॉट वर्क। जो टर्टल नेक की जो उसने स्वेट शर्ट पहनी थी, ही हैड वॉन्ट टू ट्राई, वो इसलिए पहनी थी क्योंकि वो अपने लंप को हाइड करना चाह रहा था, वो भी उसने भी काम नहीं किया। ही वॉज फेड अप विद लिसनिंग टू निक नेम्स, उसे बहुत सारे निक नेम्स दे रहे थे उसके फ्रेंड्स जो थे, जो उसके पैसेंजर्स जो थे उस कार के, कैसे कैसे निक नेम्स थे, गैंगली, थिंसो पिंसो, इलेक्ट्रिक पोल, फिर और क्या बोल रहे हैं, डे इन एंड डे आउट, दिन निकलते गए, मतलब दिन आते गए दिन जाते गए, हिज ईयर्स टर्न रेड लिसनिंग टू पीपल जेयरिंग एट हिम, जो लोग उस पर हंस रहे थे उनकी बातें सुन सुनकर उसके कान लाल हो गए, यानी कि उसे गुस्सा आने लगा। नाउ अब अंकित कॉन्फिडेंस वॉज एट रॉक बॉटम एंड ही हैड बिगन टू रिग्रेट हिज डिसीजन टू कम टू द पार्टी। अब क्या हुआ, अंकित का जो कॉन्फिडेंस था वो रॉक बॉटम, यानी कि बिल्कुल डाउन हो गया था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो गया था, एंड उसने जो अपना डिसीजन लिया था कि वो पार्टी में जाएगा, उस डिसीजन पर वो रिग्रेट करने लगता है, कि पछतावा होता है उसे कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। आप खुद सोचिए, जब आप कोई कहीं जा रहे हो और वहाँ पर कोई आपका मजाक बना दे, तो आपको लगता है ना कि हम क्यों आए यहाँ पर, हमें नहीं आना चाहिए था। आगे बोल रहा था, कार ब्रेक्ड एट द पोर्च एंड आउटपोर्ड द एक्साइटेड बंच शाउटिंग हैप्पी बर्थडे अमित। अंकित जस्ट स्टूड ऑकवर्डली होवरिंग एट द बैक, कार रुकी, ठीक है, वहाँ पर जहाँ बर्थडे पार्टी थी वहाँ पर रुकती है कार। उसके बाद क्या होता है, पूरा बंच यानी कि सारे जो लोग थे एक साथ चिल्लाते हैं हैप्पी बर्थडे अमित। अंकित जो था, ठीक है, जो थोड़ा इरिटेटिंग फील कर रहा था, जिसे गुस्सा आ रहा था, तो वो अंकित जो है वो पीछे की तरफ ही चुपचाप खड़ा रहा ऑकवर्डली उसे, क्योंकि इरिटेशन सी महसूस हो रही थी उसे, थोड़ा इंसल्टिंग सा फील हो रहा था। आर नॉट यू गोइंग टू विश मी ऑल्ड बॉय, आस्क्ड अमित थम्पिंग अंकित ऑन द बैक। अंकित की कमर पर ऐसे थपथपाते हुए वो बोलता है, तुम ओल्ड बॉय, तुम मुझे विश नहीं करोगे, यू लकी चैम्प, सच हाइट, यू लुक फैबुलस, ही एडेड। अंकित वॉज अननोन टू हिज क्वालिटी ऑफ हाइट, वो उसे बोलता है, ठीक है, कौन, उसका फ्रेंड जिसका बर्थडे था, किसका, अमित का, वो बोलता है तुम लकी हो, इतनी अच्छी हाइट, तुम बहुत फैबुलस दिख रहे हो। तो अंकित को अपनी हाइट की क्वालिटी के बारे में नहीं पता था। तो इस एक्सट्रैक्ट से, इस स्टोरी से हमें यह पता पड़ता है कि हमें अपने हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उससे लेकर हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चेंजेस तो नेसेसरी होते हैं एक पर्सन की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो अब दूसरा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इस स्टोरी में, हम वो पढ़ेंगे। लेट अस रीड अनदर एक्सट्रैक्ट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है इस एडोलसेंस के पीरियड में। आगे बोला, गौरिका भाटिया अप्लॉडेड द स्टूडेंट ऑडियंस ऑफ प्रेसिडियम जूनियर सेकेंडरी स्कूल। गौरिका भाटिया ये स्टूडेंट थी, किसकी, प्रेसिडियम जूनियर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट ऑडियंस की, क्या थी ये, उसने अप्लॉड किया, यानी कि बहुत खुश हुई वो। द डीपनिंग साउंड ऑफ चीयर्स प्रूव्ड हाउ हैप्पी द होल स्कूल वॉज टू हैव इलेक्टेड गौरिका भाटिया एज द हेड गर्ल। गौरिका भाटिया को हेड गर्ल के तौर पर चुना गया था, पूरा स्कूल इतना शोर मच रहा था कि सब, इतना शोर था, खुशी का शोर, जैसे तालियां बजाते हैं ये सब लोग, बच्चे इतने खुश हो रहे थे कि पूरा स्कूल इतना खुश था कि गौरिका भाटिया को हेड गर्ल के रूप में चुना गया। रनिंग अप द स्टेप्स लीडिंग द स्टेज शी बोर्ड टू द स्माइलिंग प्रिंसिपल हु पिंड द बैच ऑन हर ब्लेजर। वो स्टेप्स पर जाती है, यानी कि स्टेज पर आगे जाती है, चढ़ती है स्टेज पर, और जो उसका प्रिंसिपल स्माइल कर रहा था उसकी तरफ झुकती है, यानी कि उसे रेस्पेक्ट देती है, और वो क्या करता है प्रिंसिपल, वो उसके ब्लेजर पर बैच पिन कर देता है, हेड गर्ल का बैज मिलता है ना, तो वो उसके ब्लेजर पर क्या कर देता है, पिन कर देता है। इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर गौरिका, गौरिका के लिए एक प्राउड मोमेंट था। हर स्क्विंट बक टीथ एंड हर लार्ज नोज मेड हर लुक फार फ्रॉम ब्यूटीफुल। स्क्विंट बक टीथ होते हैं अपर फ्रंट टीथ,
ठीक है, अपर लिप्स पर जो अपर टीथ जो होते हैं हमारे, उसके फ्रंट के टीथ किसी किसी बच्चे के क्या होते हैं, आगे को दिखते हैं, तो उसे स्क्विंट बक टीथ बोलते हैं। तो उसके स्क्विंट बक टीथ थे और उसकी जो लार्ज नोज थी वो उसका लुक और सुंदर बना रही थी। येट अ वार्म ब्राइट स्माइल लिट अप हर एंटायर फेस, और उसकी जो ब्राइट स्माइल थी उससे उसके पूरे चेहरे पर और ज़्यादा चमक बन गई थी। शी कंडक्टेड हरसेल्फ विद वार्म्थ, वो अपने आप को आराम से क्या करती है, कंडक्ट करती है, मीन्स यानी कि अपने आप को रिलैक्स फील करवाती है। हर इनर हैप्पीनेस एंड कंसर्न फॉर ऑल अदर्स रीच्ड आउट टू ऑल हार्ट्स, जो उसकी इनर हैप्पीनेस थी वो अंदर से इतनी ज़्यादा खुश थी कि उसे हेड गर्ल के रूप में चुना गया। इतने पूरे स्कूल में इतने सारे बच्चों में से सिर्फ उसे ही चुना गया, वो इतनी उसकी जो इनर हैप्पीनेस थी और जो उसका कंसर्न था दूसरे बच्चों के लिए वो उसके हार्ट सभी लोगों के दिलों तक पहुँचा, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। चिल्ड्रन यू मस्ट अंडरस्टैंड टू बी पॉपुलर, यू डोंट हैव टू बी अ पॉप स्टार और अ मॉडल। बच्चों तुम्हें समझना चाहिए, आप सभी को ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि आपको पॉपुलर होना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू बी अ पॉप स्टार और अ मॉडल, आपको पॉप स्टार या मॉडल नहीं बनना है। अनलाइक अंकित, अंकित के जैसे नहीं, गौरिका एक्सेप्टेड हर एडोलसेंट फिजिकल चेंजेस एंड डिड नॉट वेस्ट टाइम मॉर्निंग, यानी कि अंकित ने क्या किया, वो तो अपने फिजिकल बॉडी को देखकर क्या हो रहा था, उसने फिजिकल चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे थे उसे एक्सेप्ट नहीं किया, और क्या हो गया, वो इनसिक्योर होने लगा, ऑकवर्ड फील करने लगा बहुत ज़्यादा। लेकिन गौरिका ने क्या किया, अपने एडोलसेंट फिजिकल उसमें जो चेंजेस हो रहे थे उन्हें क्या किया, एक्सेप्ट किया और अपना टाइम मॉर्निंग में वेस्ट नहीं किया। मॉर्निंग मीन्स होता है रोई नहीं वो इस बात को लेकर कि इतने ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, कौन मुझे क्या कहेगा, ये सब उसने नहीं सोचा। अबाउट वाई गॉड हैड बीन अनकाइंड टू हर, उसने ये रोया रोना नहीं रोया कि ऐसे बार बार ये दुख नहीं मनाया कि भगवान उससे इतना निर्दयी क्यों बिहेव कर रहा है, इतना अनकाइंड क्यों है उसकी तरफ। इफ़ टीनेज वरीज आर नीडलिंग यू देन द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम्स इज द एब्सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर टीनेज की जो परेशानियाँ होती हैं जो चेंजेस आते हैं उससे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी इस सभी प्रॉब्लम्स की रूट कॉज क्या है, मेन कॉज क्या है, ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, क्योंकि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। सो जस्ट सिट बैक रिलैक्स, पीछे की तरफ रिलैक्स होकर बैठिए और सोचिए, यू आर दी ओनली वन हु कैन टेक केयर ऑफ दी प्रॉब्लम। आप ये सोचिए कि आप ही हो एक जो इस प्रॉब्लम को टेक केयर कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को देख सकते हो। स्टार्ट थिंकिंग वेल ऑफ योर सेल्फ, अपने बारे में सोचना स्टार्ट करो एंड बिगिन बिल्डिंग अप सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करो। इट इज़ ओनली अप टू यू, ये सब कुछ आपको ही करना है, कोई और आकर नहीं कहेगा। योर फ्रेंड्स विल लाइक यू फॉर वॉट यू आर, आपके दोस्त आपको उसी चीज़ के लिए चाहेंगे जो आप हो। कल्टिवेट हैप्पीनेस इनसाइड यू, अपने अंदर हैप्पीनेस को कल्टिवेट कीजिए, यानी कि हैप्पीनेस बढ़ाइए। डू टेक टाइम ऑफ फॉर लीजर, डू टेक टाइम ऑफ फॉर लीजर, लीजर के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करिए। इट माइट टेक अ लिटिल टाइम बट यू विल गेट टू योर गोल एंड बिकम एन अचीवर, ये थोड़ा सा टाइम तो लेता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया करो तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन आपको एक ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आप ऐसे पॉइंट पर आ ही जाएंगे जब आपको अपने गोल पर गोल मिल जाएगा कि आपको क्या बनना है या फिर क्या अचीव करना है, और आप एक अचीवर बन जाओगे। कब, जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। फ्रॉम दी एज ऑफ 11 योर बॉडी बिगिंस टू शो चेंजेस इन शेप एंड साइज, जब आप 11 की एज पर आ जाते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, शेप में चेंज आता है, बॉडी के साइज में चेंज आता है। फीचर्स बिगिन टू लुक डिफरेंट, जो आपकी बॉडी के फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट दिखने लग जाते हैं। चीक्स माइट चेंज देयर शेप एंड साइज, चीक्स के भी आपके शेप साइज चेंज हो सकते हैं। दे माइट गो इन और पफ आउट, वो या तो उस चीक्स में किसी किसी की बॉडी में क्या होता है, चीक्स या तो अंदर की तरफ चले जाते हैं या फिर पफ आउट हो जाते हैं, फूल जाते हैं। अब बटन लाइक नोज माइट बिकम मोर शार्प शेपली, जो बटन लाइक मान लो किसी किसी की नोज जो होती है गोलमटोल सी होती है ना बटन के जैसी, तो उसकी नोज क्या हो सकती है, शेपली हो सकती है, बहुत शार्प हो सकती है। द पर्सन ऑक्यूपाइंग द फर्स्ट रो सीट माइट शूट अप इन हाइट एंड देन ही कुड बी आस्क्ड टू मूव बैक, जिस पर्सन मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बच्चा बैठा है फर्स्ट सीट पर, फर्स्ट रो की फर्स्ट सीट पर बैठा है, मान लो उसकी हाइट ज़्यादा है तो उसे बोला जा सकता है कि आप पीछे की तरफ चले जाओ। द टॉलेस्ट गर्ल इन क्लास माइट जस्ट स्टॉप ग्रोइंग एट 13, जो गर्ल क्लास में जो टॉलेस्ट गर्ल होगी ऐसा हो सकता है कि वो 13 की एज पर उसका उसकी ग्रोथ होनी रुक जाए। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बॉडी पर डिपेंड करते हैं, अलग अलग चेंजेस आते हैं। नेचुरली व्हाट वन लुक्स लाइक मैटर्स अ लॉट, नेचुरली अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो जैसा दिखता है ये ज़्यादा मैटर करता है। इट माइट मेक यू फील इनसिक्योर, इससे आप इनसिक्योर भी हो सकते हैं, लोनली आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है, एंड माइजरेबल आप दुखी भी फील कर सकते हैं। सो मच, बस इतना क्या करना है, इट कुड अफेक्ट कंसंट्रेशन एट वर्क, और इससे क्या होगा
आपके जो काम करने पर जो कंसंट्रेशन होता है, जो आपका फोकस होता है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप उन चेंजेस जो भी आपकी बॉडी में आ रहे हैं, शेप में आ रहे हैं, साइज़ में आ रहे हैं आपकी बॉडी के, उसने एक्सेप्ट कीजिए और अपने गोल की तरफ ध्यान रखिए कि आपको क्या अचीव करना है। देयर आर अ नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स इन द मैगजीन्स एंड ऑन टेलीविजन टू ऐड टू द स्ट्रेस ऑफ पीपल लाइक अंकित हु आर ऑलरेडी सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ ऑकवर्ड चेंजेस। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, एड्स आते हैं मैगजीन्स पर, टेलीविजन पर, टू ऐड टू द स्ट्रेस ऑफ पीपल, लोगों के स्ट्रेस पर ध्यान देते हुए, जैसे अंकित को स्ट्रेस हो रहा था, हु आर ऑलरेडी सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ ऑकवर्ड चेंजेस, जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं कि उतने ऑकवर्ड चेंजेस आ रहे हैं, उससे सफ़र कर रहे हैं, वो लोगों के लिए एड्स आते हैं बहुत सारे। ऑब्सेशन विद वंस अपीयरेंस कैन बी अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। ऑब्सेशंस में होता है फिक्सेशन, एक के अपीयरेंस में, यानी कोई कैसा दिख रहा है उसके अपीयरेंस में अगर फिक्सेशन आ जाता है, वो फिक्स हो जाता है, तो वो किसी किसी के लिए पेनफुल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। इनर ब्यूटी लेंड्स अ ग्लो टू योर अपीयरेंस। अगर आप इनर, यानी कि इनर ब्यूटी है, अगर आप में इनर ब्यूटी हो गया कि अंदर से अगर आप साफ हो, अच्छे हो, गुड पर्सन हो, ठीक है, ऑनेस्ट हो, तो उससे आपके अपीयरेंस में और ज़्यादा ग्लो आता है, और ज़्यादा चमकदार बन जाता है आपका अपीयरेंस, और अच्छे लगने लगते हो आप। कीपिंग गुड हेल्थ थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड एंड शोइंग द राइट एटीट्यूड हेल्प यू टू मेक द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। कीपिंग गुड हेल्थ थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज, अपनी हेल्थ अच्छी रखिए। कैसे रख सकते हैं आप अपनी हेल्थ अच्छी? रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, राइट तरह का खाना खाइए, और राइट एटीट्यूड दिखाइए, जिससे क्या होगा, आप अपने आप को बेस्ट दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल इस चैप्टर में आपको आपने दो एक्सट्रैक्ट्स पढ़े, ठीक है, दो स्टोरीज पढ़ी, दो इंस्टेंसेस पढ़े। फर्स्ट स्टोरी में हमने देखा कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड, इनसिक्योर, अनश्योर, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गया था। कौन? अंकित, ठीक। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में पढ़ा हमने कि गौरिका भाटिया, जिसे हेड गर्ल के रूप में चुना गया था, वो अपने जो भी उसके फिजिकल चेंजेस हो रहे थे उन्हें उसने साइड रखा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें रहा, इसी वजह से वो आगे बढ़ पाई। तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है। यहाँ पर आपको वोकैब दी हुई है, वोकैबुलरी, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो रेड मार्कर से हैं, रेड से हैं, तो उनके मीनिंग्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप उन्हें लर्न कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए आप सॉल्व कीजिए, और हमें मुझे नेक्स्ट लेक्चर में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैम इसका ये आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट है, या आप कुछ और चैप्टर चाहते हैं, या सेवन्थ या एट्थ क्लास से रिलेटेड कुछ भी मैटर चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी डिमांड्स को कम्प्लीट कर सकें। थैंक यू।